को मिला है मटन खाने के लिए अभी। हम नहीं खाते इसलिए मिला है, ये आपके लिए है। ये आ गया वीडियो के लिए मछली, उल्टा हो रहा है, इनको चाहिए ये, मेरा रहेगा ये। चटनी है पता नहीं क्या चीज चटनी है। हे गाइज वेलकम बैक टू माई चैनल रूबी आर्या ब्लॉग। दोस्तों अभी बजे सुबह के 7 और आप सभी को प्यार भरा गुड मॉर्निंग। दोस्तों आज ना सुबह सुबह रूबी लिट्टी बनाने के लिए भिड़ गए हैं और ये देखिए आटा निकाल रहे हैं अभी। गुड मॉर्निंग दोस्तों, तो आज हम दिखा रहे हैं आप सभी को आटा। कहते हैं ना कि 2 kg आटा 1 महीना कैसे चलेगा, तो ऐसा नहीं है, पहले से भी आटा था हमारे पास और आज हमारा 7 दिन से 8 ज्यादा हो गया है आटा चलते हुए। और देखिए अभी बचा हुआ है, जब खत्म होगा तो और ले आएंगे, इसमें सोचने की कौन सी बात है। मेरा कहना है कि अगर हम एक बार ला कर रखते तो 1 बोरा, अगर खराब हो जाए तो फिर क्या करेंगे हम लोग। 2-3 जन आदमी है, 1-2 रोटी खाते हैं हम लोग, 2-4 रोटी खाते हैं, वो जानते हैं आटे में आप लोग की वो कीड़ा लग जाता है, तुरंत रहता है कीड़ा। तो 2 फैमिली कितना खाएंगे हम लोग, जैसे खत्म हुआ चावल नहीं है कि चावल का डिब्बा में पैक करके छोड़ देंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगा, लेकिन आटा तुरंत भगड़ जाता है ना, बरसात का सीजन आ रहा है, आप देख ही रहे हैं। तो 2 किलो आटा हम लोग को नहीं तो 5 से 7 दिन चल जाता है आराम से चलेगा, क्योंकि सिर्फ रोटी ही नहीं खानी है ना, भात भी खाना पड़ता है। और हम लोग ऐसे भी 1-2 टाइम रोटी तो 1 टाइम दोपहर में भात ऐसे खा लेते हैं। और यहाँ पर सबको जो है भूकर के रख दिए हैं, सब तो भूकर के रखा हुआ है और भी जा रहे फटाफट से लिट्टी रेडी करते हैं। बाबू को लिट्टी पसंद भी है और उनको लंच भी दे देंगे, तब तक आप क्या कीजिए उनको नहा दीजिए फटाक से, अभी रेडी हो जाइए कि आपको जाना हो छोड़ने। दोस्तों सुबह सुबह हम लोग पास ना एकदम टाइम मिल पाता है, दूर साहब को तैयार करो, लंच दो, उसको भेजो, फिर लानो, ये वो बहुत तरह के काम हो जाते हैं। हो गया जी, तो फिर आप इधर करो और हम फिर इनको सेवा को पानी कर देते हैं। चलिए बेटा आइए, चलिए उधर, हाँ ब्रश करवा दिए, इसमें हम ब्रश कर दूसरे में करवा दिए इनको। इनको पता है ना कि अभी स्कूल जाना है, तो ये जो फर्स आगे गोदी में। अच्छा आप ऐसे लंगड़ा है, कहे चल रहे जी, थोड़ा चोट लग गया। कहाँ लगा ली चोट? देखिए ये देखिए एकदम खून खून कर लिए, पता न कहा कैसे चलते हैं, कैसे कर दिए सुबह में। सुबह वीडियो अपलोड कर रहे थे ना, हाँ तो जैसे कि उतर रहे थे ना, तो यहाँ पर मोच लगाई तो जो कोल्टी नहीं पलटी हो गई तो यहाँ पर पलटी हो से मोच लग गया, उसी में चोट लग गया, जो क्या वहाँ पीठ पर ना, वहाँ पर लग गया था चोट, इसलिए आपको बोलते हैं संभल के चला कीजिए। ये तो कट नहीं है, मोबाइल ही फोड़ दिए, देखिए ऊपर का स्क्रीन गार्ड फूट गया है। फूट गया तो क्या कर सकते हैं, गिर गया वही लक्का से जब लग रहा है ना, मोचवा तो मोचवा ऐसे हुआ बोलवा फेंका गया उसी पर ईटवा पर ऊपर में बच गया, स्क्रीन खाली ऊपर टूटा है। तो छोड़ दीजिए, हम बाबू को नहवा दे रहे हैं, हम जा रहे हैं बना के ना, कैसे पापा में चिपक गए हैं, इनको पता है कि स्कूल जाना है, अभी पापा हमको रेडी करेंगे। बाय बोलू नहा, सुनिए ना इसको नहा दीजिए कंधा से। दोस्तों अभी हम नहाने चले गए हुए थे और इस अंतराल में रूबी जो है ना तोड़ तोड़ कर दे दे लिट्टी दूर साहब को खाने के लिए, और ये जो है खा रहे हैं यहाँ पर, देखिए कैसे कर रहे हैं। और ये लिट्टी जो है एगो लिट्टी में थोड़ा सा बचा हुआ है, अपने से खा रहे थे, बनाने में मेरा हाथ खींच रहा है, तो ये भी इधर बनाने में बिजी है। हम बना रहे हैं, देखिए मेरा हाथ खींच रहा है, देखिए यहाँ से नीचे को चुम जा रहा है यहाँ से लिट्टी। अच्छा और लिट्टी खुद से पकड़ने लगा खाने के लिए, हम जी अपना हाथ कैसे करें, हम फिर उनको अपना बाबू को भी नहाना होगा, पूजा पाठ भी करना था आपको, लेट हो जाएगा बाबू को भेजने में, तो हम दे दिए थोड़े को उनको, देखिए मस्ती से खाए जा रहे हैं। तो बस इनका बनाया हो गया, हो गया हो गया, बस लास्ट में चाहिए फटाक से उसको नहा खा लेगा ना, फटाक से नहा देते हम सब टिफिन रेडी कर दे रहे हैं। हम तो सोचे थे पहले इनको नहा दे, लेकिन क्या है ना कि वो बदमाशी करने लगते हैं नहाने के बाद में, कपड़ा पहना के स्कूल नहीं भेजते हैं ना, तो इधर उधर करने लगते हैं, इसलिए हम चल गए फर्स्ट नहा लिया इनको, थोड़ा सा पहले नहा तुरंत तैयार करके स्कूल भेज देंगे। हो गया जब का नाश्ता हो गया, कितना बचल है? यहाँ बाबू का टिफिन रेडी हो गया है, बॉटल भी रेडी है, अभी बाप बेटे भी तो रेडी नहीं हुए हैं। जूता उस फीचे था ना जब समर वेकेशन था उसमें, तो कहाँ पहनाए हैं, तो सब ऐसे ही है, उसको सब लगा रहे हैं फीता उता। क्या मामा पापा पाउडर कैसे लगा दिए सोनू? पाउडर हम लगाए थे थोड़ा सा गर्मी के दिन है ना, मेरा राजा। मामा बोली बेटा मामा हमको भी अब ले चलो स्कूल, अब बक कहे बक स्कूल जाना है तो आपको बक कुछ होता है। हो गया हो गया हो गया, बस पापा रेडी कर, बस हो गया बेटू। अच्छा लीजिए दे दे, हम आपको बॉटल टांग दे रहे हैं, लीजिए
बोतल टांग है वहाँ स्कूल में सब कुछ टांगते है ना, वो देख लिए है, देख लिए है तो उनको भी लगता है कि हम भी टांगते हैं। बेटा लेट हो रहा है, पापा लेट कर दिए गोलू, हो जाएगा। अब फिक्स करके पहनाते कहाँ से होगा जी, अब फिक्स करके पहनाते तो कहाँ से होगा, थोड़ा फैला कर लीजिए। इनको कितना अच्छा लगता है बोतल टांगने में, हम फटाक से सब सारा इसमें पानी गिरा रहे हैं। भगवान, होमवर्क कंप्लीट था, होमवर्क अच्छा, हाँ होमवर्क कंप्लीट, हाँ रात को करा दिए थे होमवर्क। तो दोस्तों फाइनली हम तैयार होकर निकल गए हैं, बैग भी ले लिए और रूबी भी तैयार हो गए हैं। चलिए चलिए आज आपको खिलाते हैं चुस्ता है, ये होता है। चलिए तो बाबा पहले आज ना इनको अच्छा होटल में लेके जा रहे हैं, जहाँ पे इनके लाइक अगर मिलेगा तो इनको दबा के खिलाएंगे और नहीं मिलेगा तो मुंह बंद करके ले आएंगे घर। उससे अच्छा है कि हम घर पे ही ना रहे। काहे घर पे क्या रहे, अभी हम रील्स वगैरह शूट कर रहे थे, आप बोल रहे हैं कि चलो चलो चलो, और हमारे डुगू साहब अभी नहीं आए हैं और वो अगर आ जाएंगे ना तो फिर परेशान कर देंगे, इसलिए हम सोचते पहले ही जाएं और वो सुबह से आ जाएं, क्योंकि गर्मी बहुत ज्यादा है ना, धूप बढ़ गई है, ऐसे में वो तनको नहीं रहते ना, किलकिलाने लगते हैं। ओके कुर्सी बंद कर दीजिए, हाँ धूप लगेगा ना, पकड़िए। और कुछ अंदर करना है क्या, तो फिर लॉक कीजिए गाड़ी में बाहर। और आज हम लोग ना बहुत दिनों के बाद जा रहे हैं खाने के लिए स्पेशल, ऐसा तो हम लोग पर बनता नहीं है, लेकिन आज अचानक से प्लान बन गया तो हम कहे चलो फिर आ जाते हैं। का जी मन है ना, है पता नहीं क्या, पता नहीं जब खाना है अच्छा मिलेगा खाने लायक, मेरे खाने लायक मिलेगा कि नहीं मिलेगा, हम कैसे कहते पहले ही कि हम खूब खाएंगे। दोस्तों फाइनली हम लोग आ गए सौना होटल, लेकिन यहाँ पर अभी होगा लेट और इस वक्त टाइम है, अभी तैयार नहीं हुआ है, ऐसे में रुको को यहाँ पर खड़े हैं वेट कर रहे हैं, तो लेट होगा अभी सौना होटल चल जाएगा, यहाँ पर आपको खड़े और मिल जाएगा। अच्छा है ना, कैसे लोग मिलेगा, चलिए तब तक लाते हैं धूप के होने के साथ हफ्ते से। दोस्तों आ गए हैं रूबी को लेकर यहाँ पर धोने के काम है उसके पास, और इनको बनाना था रील्स, तो बोल रहे हैं कि यहीं पर चले गए थे रील्स बनाएंगे आज। क्या रोड के किनारे है ना, मुझे एक और दिन का फार्म हाउस है ना, वहाँ जाने का मन है, वहाँ का देखना है कैसे खेती करते हैं। अच्छा वो वाला पता करना पड़ेगा ना कहाँ पे है, वो क्या नाम था, कोई बरकी क्या दीप किसी का नाम था। दोस्तों अगर आप जानते हैं तो कमेंट में जरूर बताइएगा, उनका जो असली जो फार्म हाउस है वो खेती करते हैं, वो क्या नाम है। असली नहीं वही फार्म हाउस में है, लेकिन वहाँ पर सिर्फ उनका खेती होता है ना, इसके चलते बोल रहे थे कि जाएंगे वहाँ पर हम, थोड़ा पचाव कर लेते हैं खाने के, खाना खाने जाना, देखते हैं क्या खिलाते हैं। तो कैसे नहीं खिलाएंगे, वैसे भी सफर के हम लोग आए हुए हैं खाने के लिए, तो खिलाएंगे। मौसम बहुत सुहाना है, अच्छा लग रहा है, थोड़ा कहें पहले तो कोई सब बना रहे हैं। अंदर में कितना जगह है ना, दूर से तो कुछ दिखता ही नहीं है, बाहर से देख के प्लीज मत चल जाइएगा, अंदर आने के बाद पता चलेगा। बताइए कहीं वो भी जहाँ देखना है, बहुत अच्छा है वहाँ पर देखिए, कहीं दिखी जाइए कल, हाँ यहाँ पर, यहाँ पर आगे हाँ तो लेकिन बढ़िया रास्ता है यार। ओहो पूरा मुंह दिखाया नहीं, इधर भी है अंदर भी है। अच्छा उसके अंदर भी है, यहाँ भी पूरा बड़ा सा है, सारा व्यवस्था देख लीजिए, बस देखते हैं खाने आइटम में क्या टेस्ट है क्या नहीं है। यहाँ इनको बहुत अच्छा लग रहा है बैठने में, एकदम आराम से बैठे हुए हैं, और यहाँ पर ना खास बात यह है कि गोबर से एकदम पूरा पोताई किया गया है, थोड़ा लकड़ी का बना हुआ सब जगह, लेकिन लग नहीं रहा है कि लकड़ी का होगा, हाँ सब का लिखा हुआ है टोटल, कितना बेहतरीन तरीके से सब सजाया हुआ है, ऐसा उम्मीद नहीं जैसा लगता है कि जैसा होगा, ऐसे
अच्छी चमकपुर है। बस ये क्या है और ऐसा हम लोग पता नहीं था कि यहाँ पर हमें पता चला था उनको खाने से पहले आते हैं उधर इनका बहुत खराब आ रहा था बर्तन खाते हुए है ना उसका सही उसका स्मेल तुझे नहीं दे पाते मछली खा सकती हूँ मछली बनता ये देखिए अभी कैसे निकाल रहे हैं दो पीस मटन और भात ना नंबर ये आ गया दोस्तों खाना मटन एक ही जगह ये जगह मछली और चावल जाएगा को मिला मटन खाने के लिए अभी हम नहीं खाते इसलिए मिला है ये आपके लिए और इनका मछली थोड़ा सा और लेट लगेगा तो फ्राई हो रहा है ना और ये तो खाते नहीं है ये बहुत अच्छा सजाया गया ना पत्तल की थाल मतलब ये दो पीस मटन करी और चावल इधर रहा ये चटनी ज्यादा यहाँ का फेमस है अच्छा चटनी हाँ यहाँ ज्यादा मतलब लोग बोलते हैं मतलब बहुत चटपटा लगता है खाने में और यहाँ पे दो इसको क्या बोलते हैं चबूतरा हाँ हाँ तो अभी आने दीजिए इसके बाद साथ ही हम लोग खाएंगे नहीं नहीं आप सर आप खाइए देखूंगा आपको ना 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 ये आ गया रूबी के लिए मछली उल्टा हो रहा है इनको चाहिए ये मेरा रहेगा ये चलिए आपका भी इंतजार खत्म तो दोस्तों हम लोग जा रहे हैं रूबी निकालना शुरू कर दी आपके खाने का बताइए कैसा लग रहा है गर्म जाते हैं सबसे पहले आप सब जाइए हमारे साथ इस होटल को खाना खाने के बाद जो आप खाना जो बहुत ही फेमस है भी हम देखते हैं अच्छा है कि नहीं कैसा रहा अच्छा लगा ठीक है आप खाइए हम भी खा रहे बाबा मटन यहाँ पर लग रहा है कि रांची होटल पहली बार खाने जा रहा हूँ मछली पहली बार खा रहे हैं मटन एकदम लगवा बना हुआ चटनी कैसा लगा चटनी चटनी है पता नहीं क्या चीज चटनी है जी हुआ अभी तक खाई रहे पर मंगा दे हो गया आज एकदम प्लेट खाली कर दिए हो गया कितने और चले ज्यादा खाली का नहीं चल जा रहा है जितना फेमस नाम है उतना ही फेमस खाना भी है यहाँ का यहाँ पर देखिए एकदम झकास सिंह दिख रहा है कहे रो रहे थे आप आज कहे रो रहा था कहा बेटा कहे रो रहे थे आप बॉटल बॉटल पानी बोतल कहाँ छोड़ दी है ऑफिस में है कहे रो रहे थे आप कहेला सुबह बिट्टू मम्मा आ गई बेटा कुछ नहीं बोलना है सिर्फ गाड़ी हाँ। अच्छा।
सुबह भी जब लाए ना तभी सो रहा था, और फिर बाद में रोते रहा। बोतल भी स्कूल में छोड़ दिया। चलिए घर चलिए, भिड़ल था कहे बाबू भी, लेकिन रंग दिखे नहीं हमें, दिखे ना कला कला दिख रहा है, यहाँ दिख रहा है कुछ वो नहीं किया मेरे मुँह से। हम लोग कहे रो रहा था, जरूर गिरा होगा, गिरा है तभी इतना रो रहा था, बच्चे इतना रोता नहीं है।